नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना जो है पूरी दुनिया की सुपर पावर बन के कैसे उभर के आ रहा है, कैसे ही 20 से 30 सालों में चाइना ने बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी कर ली है और जो है वो यूएस की टक्कर में आ ही गया है। वो वाला समय तो गया जब एक देश की उपलब्धियों को उसके हथियारों से या कि वो कितने युद्ध जीतते हैं उस हिसाब से माना जाता था। आज की सुपर पावर तो वो ही है जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो कहते हैं कि चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये ताज बहुत जल्दी छीन लेगा और दुनिया की सुपर पावर बन के बहुत ही जल्दी आएगा। चाइना और इंडिया जो है वो लगभग बहुत ही साथ साथ हैं, दोनों ही एशिया में हैं, दोनों की पॉपुलेशन भी लगभग सेम है, परंतु फिर भी इतने नजदीक होकर भी दोनों में इतनी दूरी क्यों है? क्यों चाइना आज इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है? और ये मैं नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ, ये मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के थ्रू बताती हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देके, अगर 1987 की बात की जाए तो जो दोनों देश थे वो उनका जीडीपी जो था या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो एकदम सेम ही था। 1990 में इंडिया चाइना से ज्यादा अमीर था, लेकिन उसके बाद चाइना ने जो रफ्तार पकड़ी रॉकेट की तरह, वो इंडिया से जो दूरी थी, जो 13 साल की दूरी थी शुरुआत में इंडिया और चाइना की इकोनॉमीज खुलने में, वो गैप जो है वो बढ़ता गया और आज दूरी इतनी हो गई है कि चाइना का जो जीडीपी है वो 2019 के हिसाब से इंडिया से 4.78 टाइम ज्यादा है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो चाइना का है 10,261.88 US डॉलर्स और इंडिया का है 2,099.60 US डॉलर्स। चाइना जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 1998 में बन गया था, लेकिन इंडिया को ये उपलब्धि 2007 में ही मिली थी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि चाइना जो है वो इंडिया से कितनी आगे निकल चुका है। चाइना की कहानी की शुरुआत करते हैं सन 1949 से, जब उस वक्त चाइना के सबसे बड़े लीडर थे माओ से होंग। वो एक कम्युनिस्ट थे और वो उस वक्त उन्होंने नेतृत्व संभाला था ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी। वो कम्युनिज्म में विश्वास रखते थे, उनकी फिलॉसफी थी कि सब बराबरी होनी चाहिए, ना कोई गरीबी ना कोई अमीरी, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे वो विश्वास रखते थे। उन्होंने जो अपनी टॉल लीडर होने के नाते ये जो फिलॉसफी है ये चाइना के डीएनए में कम्युनिज्म का जरूर बहुत ही पक्की कर दी, लेकिन इकोनॉमी उनकी थोड़ी सी वीक हो गई। इकोनॉमिक्स में जो उनका था खास कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो इसी तौर पे आता है कि 49 से लेकर चाहे 60 तक देखा जाए, चाइना बहुत बड़ी भूखमरी और गरीबी के दौर से गुजरा था। इतनी गरीबी कि जो लोग हैं उनके पास खाना नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, तो इतने कठिन समय से जो है वो चाइना गुजरा था। लेकिन ये जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी जो है 1960s और 70s के दशक में बदलने लगी, जब चाइना ने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल मतलब अपने जो जनता है उनको थोड़ा सा स्किल्ड बनाने में और फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल में। लेकिन वो सब कुछ जो था वो स्टेट ओन्ड ही था। 1978 तक 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन जो चाइना की थी वो स्टेट ओन्ड थी, क्योंकि उनके हिसाब से सब चीज सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। दिस इज सिमिलर टू जो इंडिया में इंडिया की इकॉनमी 1991 में ओपन हुई थी, जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था। उससे पहले लाइसेंस राज था और किसी के लिए बिजनेस करना एकदम आसान नहीं था, तो चाइना में भी उसी तरीके का इन्वायरमेंट था। लेकिन 1978 में वो बदल गया था, और ये कैसे बदला था? वो सिर्फ एक माओ की ईरा खत्म होने पे बदला था, जिनकी मृत्यु हुई थी 1976 में। उसके बाद चाइना में एक नया दौर आया एक नए लीडर के तौर पे। इस बार डेंग शियाओपिंग ने ये कमान संभाली और कह सकते हैं कि उन्होंने चाइना की जो ग्रोथ की नींव थी वो इतनी मजबूत रखी कि आज वही कारण है कि चाइना इतनी तेजी से बढ़ते ही जा रहा है।
उन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को खोल दिया। इनफैक्ट 1979 में उन्होंने जिम कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया, जिसके हिसाब से जो दोनों देशों में जो बिटर रिलेशंस थे, जो खटास थी, वो एक अच्छे रिलेशनशिप्स के तौर पे उभर के आई है। दोनों ने आपस में काम करने में, ट्रेड करने में अग्रीमेंट कर लिया। चाइना ने उन्हीं के नेतृत्व में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया था। तो 1979 से लेकर अभी के समय तक चाइना ने ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसने उनको एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उभरने में बहुत ही मदद की है। सबसे पहली चीज जो उन्होंने की है, वो उन्होंने की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना दबदबा बनाना। अगर मैं आपको इसके बारे में स्टेटिस्टिक बताऊं, तो अगर दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, तो उसमें 28% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन चाइना का है। जी हाँ, सोच के देखिए कि एक देश के पास कितनी पावर है। तो आप खुद ही सोचिए कि चाइना क्या क्या प्रोड्यूस करता है, चाहे वो जूते हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, आपके मोबाइल हों, एयर कंडीशनर हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है अब जो चाइना में प्रोड्यूस नहीं होता है। और अब तो वो बाकी देशों में डंप कर दिया जाता है। चाइनीज गुड्स को इतना सस्ता ज़रूर माना जाता है क्योंकि उनके पास एफिशिएंसी बहुत है। एफिशिएंसी का मतलब कि अगर इंडिया में एक घंटे में 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो चाइना में 15 हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो लेबर है वो काफ़ी इकोनॉमिक है, सस्ते में मिल जाती है और बहुत ही हाईली स्किल्ड और एफिशिएंट है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत जल्दी बना लेते हैं और बहुत स्मार्ट, इंडिया से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी आगे है इंडिया से। दूसरी चीज़ हो गई टेक्नोलॉजी को, जो चाइना है वो काफ़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर लेता है। कोई भी टेक्नोलॉजी आए उसको वो फटाफट से रेप्लिकेट कर लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट्स चाइना में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी तेज़ी से आने लगी थी जब से डेंग शाओपिंग ने इकोनॉमी को खोल दिया था। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो चाइना में है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना हो और फ्री मार्केट क्रिएट करना हो, चाहे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना हो, उनका सर्विस सेक्टर भी काफ़ी बड़ा है, तो जो चाइना है उनके ट्रेड्स जो हैं वो काफ़ी, बहुत हद तक जो ट्रेड रिलेशंस है दुनिया के साथ काफ़ी होते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जिस इकोनॉमिक रीजंस जिससे चाइना आगे बढ़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी वर्ल्ड में हेजेमनी बनाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि चाइना में $1.5 trillion के उन्होंने डायरेक्ट लोन्स दे रखे हैं 150 कंट्रीज़ को। इतने लोन चाइना ने कंट्रीज़ को बांट रखे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो जो हैं चाइना के लोनों के तले दबी हुई हैं। उनका एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है द बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव, जिसके मुताबिक उन्होंने 4 कॉन्टिनेंट्स और 66 कंट्रीज को जोड़ने का ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन जो उनके गुड्स की हो वो और इजियर तरीके से हो सके, और इनकी सबकी पेमेंट जो होगी वो चाइनीज युआन में होगी, ताकि चाइनीज युआन का जो यूज़ है वो देश, वो पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए। उन्होंने बाकी के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त करने जैसी चीज़ें भी चाइना कर रहा है। तो ओवरऑल चाइना ये प्रूव करना चाहता है कि वो जो है वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए एकदम तैयार है, यूएस को पिछाड़ने के लिए एकदम तैयार है। चाइना जो है वो उसे कैपिटलिस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अगर कह सके उन्हें अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म कह सकते हैं। वहाँ लोगों के पास खास फ्रीडम नहीं है और डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो भी चाइना कर रहा है वो उस उनको उनके जो भी कारण उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं उससे उनका देश ज़रूर काफ़ी आगे उभर के आया है और काफ़ी एक वेल्दी नेशन के तौर पे माना जाता है। तो ये थी चाइना की ग्रोथ की स्टोरी इंडिया के कंपैरिजन में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अगर आपको लगता है कि आपको मुझे इसके बारे में कुछ और ऐड करके बताना है या आपके कुछ भी आपको मुझसे बात करनी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के
बताइए मुझे, और मेरी वीडियो जरूर देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। शुक्रिया।